यूट्यूब चैनल बाल मुनि बार में कक्षा 10th के सभी छात्र और छात्राओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज लेंगे प्रश्नावली 6। इससे पहले वाले वीडियो में आपको प्रश्नावली 6 के बारे में नॉलेज दिया, त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री और पाइथागोरस प्रमेय समझे। इसमें आप त्रिकोणमितीय अनुपात समझे, 6 अनुपात होते हैं साइन कॉस सेक कोसेक टैन कॉस, इसके बारे में रिलेशन समझाया आपने। त्रिकोणमितीय अनुपात अब पर्सनली आप इच्छे त्रिकोणमितीय अनुपात त्रिकोण मिट्टी त्रिकोण मिट्टी अनुपात है। इसमें मैं भूमिका है सारणी, टेबल बनाना मैंने आपको सिखा दिया। टेबल में से मान निकालकर प्रश्न के अंदर जो मान पूछा है उस त्रिकोण मिट्टी अनुपात का मान रखना और प्रश्न के अंदर मान रखते ही सीधा उसका आंसर। बहुत ही अच्छी प्रश्नावली है, प्रश्नावली 6 बहुत इजी सवाल आते हैं। सवाल के अंदर त्रिकोणमितीय टेबल से 0 से लेकर 90 डिग्री के कोई मान जैसा दिया वैसा मान रख सीधा आंसर आएगा, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी बच्चे। देखो 2 sin 45 cos 45 मान है, इसके अंदर sin 45 और cos 45 का मान टेबल है अपने पास, उसमें से sin 45 और cos 45 का मान टेबल से रखेंगे और यहाँ रखेंगे सीधा आंसर आ जाए। कैसे क्या चाहिए अपने sin 45, तो ये sin 45 का मान होगा 1/√2 और cos 45 का मान टेबल में क्या होता है 1/√2। ये आपके पास प्रश्न है तो इसका हल है, इसमें क्या चाहिए आपको sin 45 का मान चाहिए पहले 1/√2 और 45 का मान 1/√2 ये मान लिया तो आप देखो 2 sin 45 का मान 1/√2 cos 45 का मान 1/√2 दो को एक से गुणा किया दो अंडर रूट को अंडर रूट से गुणा किया हट जाता है, ये अंडर दो है अंडर रूट को अंडर रूट से गुणा किया हट गया, ये आया अपने पास ये दो है, ये दो से दो में भाग गया एक बार ये माना गया एक, ये इसका आंसर आ गया। कोई ज्यादा जोर नहीं लगा मैंने साइन 45 का मान 1/√2 कोई 45 का मान 1/√2 मान लिया रखा मैंने, दो को एक से गुणा किया दो अंडर रूट वर्ग से गुणा किया अंडर रूट हट जाता है, अंडर रूट वर्ग से गुणा किया दो दो का दो में भाग गया एक बार ये आपका आंसर। प्रश्न नंबर टू cos 45 cos 60 माइनस sin 45 sin 60, आप इसका मान गया तो 4 त्रिकोणमितीय अनुपात है अपने पास, चारों के टेबल सारणी से मान निकालेंगे, वो मान कहाँ रखेंगे यहां रखेंगे, यहां रखते ही सोल्व करेंगे और इसका आंसर कैसे cos 45 ये आपको सबसे पहले ये cos 45 का मान कितना आपके पास 1/√2, sin 45 का मान 1/√2, cos 60 और sin 60 तो याद रखो आप sin 60 साइंस साठ का मान क्या बोलिए रूट 3/2 तो बोलिए वो आप cos 60 का मान 1/2। ये 4 अनुपात है, तीन अलग अलग इन 4 अनुपात का मान जोड़ना है समान रखा cos 45 के बाद cos 45 का मान आपके पास है 1/√2 cos 60 का मान आपके पास है 1/√2 माइनस sin 45 का मान 1/√2 sin 60 का मान √3 ये मान है अपने पास
ऊपर बना गया है आगे एक दो पॉइंट ऊपर सुना गया दो अलग माइनस एक पॉइंट रूट थ्री सुना गया रूट थ्री दो पॉइंट रूट टू सुना गया दो अलग दो अलग दो आ गया लसन यह आ गया वन माइनस अंदर यह आपका आंसर है
इसकी घात को मैंने क्लू में रख लिए, इस पर और जोड़ेंगे तो घात जुड़ जाएगी, दो मुझे क्यों बनेगा कि मैंने सीखा लिखा ये थ्री रूट थ्री बटा टू माइनस अंडर रूट का वर्ग किया, अंडर रूट हट गया, दो का वर्ग किया चार इंटू रूट टू बटा टू, चार से चार हट गया, थ्री रूट थ्री बटा दो माइनस थ्री रूट थ्री बटा टू, सेम संख्या से सेम संख्या कट गई, तीन बटा रूट थ्री, तीन इंटू रूट थ्री बटा दो माइनस तीन इंटू रूट थ्री बटा दो, सेम संख्या से सेम संख्या, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए क्वेश्चनों में, वापस समझना चाहो समझ सकते हो, साइन पैंतालीस कॉस पैंतालीस, साइन पैंतालीस का मान लेता है दो, पैंतालीस का मान लेता है दो, इसके अंदर मान लेते हैं टू, साइन पैंतालीस एक बटा रूट, कॉस पैंतालीस एक बटा रूट, यानी साइन पैंतालीस एक बटा रूट, अंडर रूट अंडर रूट सुना कर अंडर रूट हट जाता है, दो रूट में दो अंडर रूट रूट में अंडर रूट में दो, कॉस पैंतालीस कॉस साठ माइनस साइन पैंतालीस साइन साठ, कॉस पैंतालीस का मान साठ होता है बटा रूट दो, साइन पैंतालीस का मान होता है बटा रूट दो, साइन साठ का मान होता है रूट तीन बटा दो, कॉस साठ का मान होता है एक बटा दो, मान रखते इसके अंदर मैंने कॉस पैंतालीस का मान एक बटा रूट दो, कॉस साठ का मान एक बटा दो, साइन पैंतालीस का मान एक बटा रूट दो, साइन साठ का मान रूट तीन बटा दो, मान रख दिया तो इसका आंसर ठीक है। फिर देखो आप दसा भाई दो रूट दो, इसी संख्या से गुणा करने की जरूरत है वन माइनस रूट थ्री, चाहे तो हटा पढ़ में कर करके रूट दो बढ़ा सकते हैं, लेकिन ज्यादा आंसर सिर्फ करना ला रहे अपने को सॉल्व करने का अपने मान लिया, साइन स्क्वायर तीस प्लस टू और स्क्वायर पैंतालीस प्लस थ्री टेन स्क्वायर सात, साइन स्क्वायर तीस का मान एक बटा दो होता है, कोई पैंतालीस का मान एक बटा रूट दो होता है, टेन सात का मान होता है रूट, साइन स्क्वायर यानी एक बटा दो का होल स्क्वायर, क्योंकि साइन तीस का स्क्वायर तीस का मान एक बटा दो इसका स्क्वायर इसको कर दिया अपने, प्लस टू का टू कोस पैंतालीस का स्क्वायर तो पैंतालीस का मान एक बटा रूट दो इसका होल स्क्वायर आ गया, प्लस टेन सात का मान है रूट थ्री तो रूट थ्री का होल स्क्वायर आ गया, एक का वर्ग एक दो का वर्ग चार दो, एक का वर्ग एक अंडर रूट दो का वर्ग अंडर रूट आ गया, तीन का तीन अंडर रूट तीन का वर्ग अंडर रूट आ गया, लसा बाई चार इसी के नीचे कुछ संख्या नहीं होती है, एक प्लस बाई चार एक प्लस एक पचास से बनाएगा चार प्लस चार को तीन और तीन से बनाएगा एक चार का चार चार की बारह बारह किया छत्तीस ये छत्तीस आपको चार की बारह बारह किया छत्तीस छत्तीस सौ चार चालीस चालीस सौ एक चालीस चालीस सौ किसका मार दिया चार प्लस से एक बटा चार थ्री साइन साठ माइनस फोर साइन टू साठ थ्री साइन साठ माइनस फोर साइन टू साठ टेबल में साइन साठ का मान आना चाहिए आप साइन साठ का मान रूट टू बटा रूट मान रख दिया आपने थ्री साइन साठ का मान रूट थ्री बटा रूट माइनस फोर साइन टू साइन साठ का क्यूब साइन साठ का मान रूट थ्री बटा रूट क्यूब हो गया क्यूब हो गया ये यू का यू लिखा मैंने माइनस फोर रूट तीन बटा दो की घात क्यूब को मैंने दो पूरा लिखा रूट तीन बटा दो का स्क्वायर क्योंकि रूट तीन बटा दो की घात एक गुणा करेंगे वापस किया आ जाएगा अंडर रूट का वर्ग किया अंडर रूट किया दो का वर्ग किया चार दो का वर्ग किया चार चार से चार तीन को रूट तीन बटा दो से बना किया तीन रूट तीन बटा सेम संख्या से सेम संख्या कट गई या काट लो उसको क्या है जीरो या पेंस परसेंटेज का बहुत ही अच्छे पसंद है और मान रखते सीधे आगे उत्तर लिखो आपको मान रखना आना चाहिए और टेबल अच्छी तरह से आना चाहिए और टेबल वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है पूरी पर्सनल टेबल पर डिपेंड है टेबल आपको अच्छी आती है तो आप बहुत ही बढ़िया तरीके से सवाल आराम से जस्ट पर्सन में मान रखा कैलकुलेशन किया सीधा आंसर इसमें ज्यादा दिक्कत आने की जरूरत नहीं होनी चाहिए टेबल को रूप देने की कोशिश करो याद करने की कोशिश करो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक से समझा दिया है तो आपको अच्छा समझ में आना चाहिए और कोशिश करो कि टेबल याद नहीं है वापस समझाया करेंगे मान आप रखेंगे टेबल को देख कर याद आता है याद रहना चाहिए क्योंकि टेबल के अंदर मान रखते सीधे आंसर आते हैं आपने अगर टेबल में मान रख दिया
मान इतनी से आंसर आ जाएगा और ये मान ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, टेबल में मान आना चाहिए आपको बेटा। कैसे प्रश्न नंबर पांच, प्रश्न नंबर पांच, फाइव कोज पर 60 प्लस 4 साइन इस पर 30 माइनस 10 इस पर 45 साइन इस पर 30 प्लस 4 इस पर 45। अच्छा प्रश्न है, कोज 60 का मान आना चाहिए आपको, साइन 30 का मान आना चाहिए, 10 45 का मान आना चाहिए, साइन 30 का और कोज 45 का, पांच मान है समझ, टेबल पूरी आनी चाहिए, टेबल आती है तो आपका मान रखो उसी का आंसर। देखो इस प्रश्न को मैं डायरेक्ट नहीं सॉल्व कर देता हूँ, ये प्रश्न है, प्रश्न बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप देखो सबसे पहले मैं ले रहा हूँ साइन 30 या कोस 30, और ये आपके पास कोस 45 का मान 1/√2 होता है, टेन 45 का मान साने में 1 है, साइन 30 से साइन 30 का मान 1/2 होता है, 1/2 और 45 का मान 1/√2 आ गया, साइन 30 का मान 1/2 आ गया, टेन 45 का मान 1 आ गया। अब चलिए कोस 60, कोस 60 साइन 60 का मान 3/√2 होता है, तो कोस 60 का मान इसका 3/√2 होने से कितना होगा, साइन यार हो जी 1/2, ये मान आप इसमें रख दो। देखो 5 कोस स्क्वायर 60, कोस स्क्वायर 60 कोस 60 का मान कितना, 1/√2 का और स्क्वायर प्लस और साइन 30 का होल स्क्वायर, साइन 30 का मान है कितना, 1/2 इसका होल प्लस माइनस 10/45 का होल स्क्वायर, 10/45 का मान है 1 का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर 30, साइन 30 का मान अपने पास 1/2 इसका होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 45 का होल स्क्वायर, कोस स्क्वायर 45 है, कोस 45 का मान अपने पास 1/√2, ये आपके 1/√2 का क्या हो गया होल मान रख दिया, आंसर आ गया। कैलकुलेशन है, जोड़ बाकी करनी है, कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। देखो ये 5 1/1 2/4 प्लस 4 1/1 2/4 माइनस 1/1 और 1/4 1/1 प्लस 1/1 √2 के अंदर कट गया, मल्टीप्लीकेशन है, दस अब लैनिंग आनी चाहिए, कैलकुलेशन करना आना चाहिए। जब आप ये 4 से 4 दस सब आइए अपने पास अंश में 4 यह आएगा 5, इसको 4 से गुणा किया 1 × 4 × 1 माइनस 4 चाहो तो यहाँ डायरेक्ट काट भी सकते थे, ठीक है, फिर अब कट जाएगा कोई बात नहीं। दस बाई 4 1 × 2 कमा गया 2 × 2 ये 4 से 4 बता 5 − 4 + 4 अपॉन 1 प्लस 2 4 से 4 गया 5 1 × 2 = 3 5/3 आया कितना है 5/3 5/3 आ गया आपका आंसर। देखो अच्छा वापस रिपीट करो आप लोग 5/3 आ गया इसका आंसर, ठीक है। वापस समझा देते हैं, कोस 45 का मान 1/√2, टेन 45 का मान साइन 1, साइन 30 का मान 1/√2, कोस 60 का मान 1/√2, कोस 60 होल स्क्वायर 1/√2 होल स्क्वायर प्लस और साइन 30 का मान 1/√2 होल स्क्वायर, टेन 45 का मान 1 होल स्क्वायर, साइन 30 का मान 1/√2 होल स्क्वायर कोस 45 का मान 1/√2, 1/1 2/4
कवर एक दो कवर चार प्लस में कई चार पांच चार वैसे हुआ किया चार चार लसा भाई हमने चार एक एक रूम से बना दिया दो लसा में दो चार दो का भाग दो चार से चार कट गया ये चार से चार कट गया अंश होता पांच दो एक ये आपके पास प्रश्न नंबर छह प्रश्न नंबर छह और प्रश्न लिख रहे हैं जो तुम्हें बार बार लिखो उन्होंने ये सकने जरूरी है ओवर कोर्स का पैंतालीस माइनस एक्स पर साठ प्लस साइन पर साठ और कोर्स पर नौ ये आपका प्रश्न है तो हल रहे हैं जिंदगी का बता दी कोट पैंतालीस आपको भी मान लाना चाहिए कोट पैंतालीस कोट पैंतालीस का मान है अपने पास वन सेक्स साठ सेक्स साठ का मान कोस साठ का मान एक सौ दो है सेक्स साठ का मान रहेगा अपने पास दो साइन साठ साइन साठ का मान है रूट तीन बटा दो कोस नब्बे का मान है अपने पास जीरो और नब्बे का मान के पास है जीरो क्या जीरो माने तो नब्बे का मान के पास क्या है जीरो और नब्बे का मान के पास जीरो है। प्रश्न नंबर छह देखो आप और कोट स्क्वायर पैंतालीस माइनस एक्स स्क्वायर साठ साइन स्क्वायर साठ प्लस कोट स्क्वायर नाइनटी इसके मान आना चाहिए और पैंतालीस का मान कितना होता है सेक साठ का मान दो साइन नब्बे का मान दो तीन का दो कोस नब्बे का मान मान है अपने पास मान रखो सीधा फॉर की जगह फॉर कॉट स्क्वायर पैंतालीस कॉट स्क्वायर पैंतालीस है कॉट पैंतालीस का मान है एक का होल स्क्वायर माइनस सेक्स साठ का मान है दो दो का होल स्क्वायर प्लस थ्री साइन स्क्वायर साठ साइन साठ का मान है रूट तीन का दो का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर नाइनटी कॉस नाइनटी का मान है जीरो जीरो का होल स्क्वायर फोर इंटू वन माइनस दो का वर्ग चार प्लस अंडर रूट का वर्ग किया अंडर रूट कट गया दो का वर्ग चार जीरो का वर्ग जीरो चार माइनस चार प्लस तीन बटा चार ये चार से चार भी नहीं ये आपके पास इनका ही सवाल है ये आपके पास आ गया तीन बटा चार ये आपका ही सवाल है कुछ नहीं है कोट पैंतालीस का मान एक सेक्स साठ का मान दो साइन साठ का मान दो वन का स्क्वायर वन दो का स्क्वायर चार अंदर का वर्ग यानी हो गया दो का वर्ग चार माइनस चार प्लस चार कट गया तीन का चार स्क्वायर फोर अपॉन कोट स्क्वायर तीस वन अपॉन साइन स्क्वायर तीस माइनस कोट स्क्वायर पैंतालीस का मान कुछ नहीं हो तीनों त्रिकोण के अनुपात है इनकी कौन के मान रखो सीधा प्रसंग रखो सीधा आंसर रखो हल में डाल नहीं से सुन करो ये प्रसंग भी हल नहीं से रखो तो बार बार प्रश्न को रिपीट करने से जगह घेर जाती है आप गणित में प्रसंग लिखने की जरूरत नहीं सीधा प्रसंग और हल ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन सिद्ध करने वाले सवाल में आपको लेफ्ट राइट अच्छा लिखना देखो आप फोर्थ पीस यानी टेन तीस का रूट क्या टेन तीस का मान होता है एक बटा रूट थ्री तो कोट टेन का क्या होता है उल्टा एक बटा रूट तीन का रूट क्या होता है रूट थ्री तो कोट तीस का मान आ जाएगा रूट साइन तीस का मान एक बटा दो और कॉस पैंतालीस का मान एक बटा रूट ये मान तो तीनों मान क्या रखा चार अपॉन कोट तीस का स्क्वायर कोट तीस का मान है रूट थ्री का स्क्वायर प्लस साइन तीस का मान एक बटा रूट होल स्क्वायर माइनस कोस पैंतालीस कोस पैंतालीस है एक बटा रूट दो का होल स्क्वायर यह आपके पास मान है आपको तो चार इस जगह चार अंदर तीन का वर्ग अंदर घट गया प्लस एक एक बटा दो का वर्ग एक बटा चार माइनस
एक बटा अंडर रूट ऑफ टेन रूट हट गया। अब आप देखो इसमें लसन को थोड़ा कंसेप्ट उसको कहते हो मैनेज या आप कहते हो कन्वर्ट, कन्वर्ट कराओ चार का तीन। जब हर में अंश बटा हर हो, जब हर में अंश बटा हर हो तो हर की हर, जब हर में अंश बटा हर हो तब हर की जो होती है ना हर वो चल जाती है अंश में, तो ये अंश में चलेगी माइनस एक बटा दो। अब देखो आप लसप आइए टोटल अपने पास छह चार को दो से गुणा कर लिया, लसप आई छह अपने पास छह लगेंगे भाग दो चार दो से प्लस चार इंटू छ माइनस छ में दो का भाग तीन बार या क्या आ जाएगा चार दो आठ चार छ चौबीस माइनस तीन अपॉन छ चौबीस सौ आठ दो बत्तीस बत्तीस माइनस तीन अपॉन छ ये आ गया मेरे पास बत्तीस बटा छ। वापस समझ लो आप फोर अपॉन फोर स्क्वायर तीस फोर अपॉन फोर स्क्वायर तीस फोर अपॉन फोर स्क्वायर तीस वन अपॉन साइन स्क्वायर तीस माइनस फोर स्क्वायर फोर तीस का मान रूट तीन साइन तीस का मान एक बटा दो फोर का तीस का मान एक बटा अंडर रूट ये मान में नहीं आ रहा है अंडर रूट कवर क्या अंडर एक बट कवर एक दो कवर चार एक का एक अंडर रूट कवर क्या हर में ऐसे बताया जा रहा है ऐसे लस बाई छः छः में तीन का भाग दो और चार को दो से गुणा करिए प्लस छः दस को संख्या नहीं होता नौ का एक चार को छः से माइनस दो का छः में भाग तीन बार एक को तीन से गुणा करिए आप ऐसे कर सकते हैं चार दो आठ चार छः चौबीस तीन ऊपर आठ और चौबीस बत्तीस बत्तीस में से तीन दो बत्तीस बत्तीस का खर्च ये आपका आंसर है और ये आपके अच्छे फसल हो गए और किसी भी टाइप में हेडक लेने की जरूरत नहीं है। सवाल में मान रखो एंस पर यू आएगा टेबल सारणी आपको याद हो चाहिए और टेबल सारणी की प्रैक्टिस करो अगर याद नहीं होती है तो प्रैक्टिस करो आप क्योंकि प्रैक्टिस गणित में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है प्रैक्टिस और जो प्रैक्टिस करता है ज़्यादा वही मैच जीतता है। खिलाड़ियों की यही चीज़ है पटेल भी वही चीज़ है पटेल जो बच्चा ज़्यादा करेगा इसका मतलब ये नहीं भूलेगा नहीं उसकी मेमोरी आई क्यू और उसकी सोचने की क्षमता और तर्क करने की क्षमता बढ़ेगी। इसलिए गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी मेमोरी और आई क्यू और तर्क शक्ति को बढ़ाने का काम करता है इसलिए हॉनरेबल सब्जेक्ट है बहुत ही रोचक सब्जेक्ट है वर्ल्ड के अंदर तो गणित किसी भी टाइम आप पढ़ सकते हो कहीं भी आपको बोरिंग या कहीं भी डिस्टर्ब नहीं करेगा ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना अच्छा नॉलेज बढ़ेगा आपको और इसका अभ्यास की सबसे मेन भूमिका है अच्छे नंबर लाने के ओनली फॉर अभ्यास गणित में प्रैक्टिस ही अच्छे नंबर की शुरुआत है।